ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण थेरेपी यूज होती है जिसे हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, यानी सिकाई का इलाज। अब इस इलाज के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, आइए जानिए हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो रेडिएशन थेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पूरे शरीर में नहीं आते, वो केवल उस एरिया में आते हैं जहाँ पे रेडिएशन दी जाती है। तो जब हम ब्रेस्ट की रेडिएशन की बात करते हैं तो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन, ब्रेस्ट के नीचे के मसल्स, ब्रेस्ट के नीचे हार्ट या लंग या सराउंडिंग बोन्स, इनमें साइड इफेक्ट्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्किन के साइड इफेक्ट्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्किन में सबसे पहले जो साइड इफेक्ट आता है वो होता है रेडिएशन डर्मेटाइटिस। अब रेडिएशन डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि स्किन बर्न हो गई हो वैसे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, ये लाल पैचेस कुछ टाइम में काले पड़ जाते हैं, और कभी कभी इनमें अगर सिवियर डर्मेटाइटिस हो तो ये स्किन पील ऑफ होकर के इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। रेडिएशन डर्मेटाइटिस को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है जो वहाँ की चमड़ी है उस एरिया की चमड़ी को आप रगड़े नहीं, बहुत ज़्यादा विग्रेसली उसे आप पानी या साबुन से ना वॉश करें, ना ही उस पर कोई बहुत हार्श केमिकल्स आप अप्लाई करें जैसे बॉडी लोशंस हो गए या परफ्यूम्स हो गए। उस एरिया को आपने बिल्कुल जेंटली पानी से धोना है केवल, और सॉफ्ट कपड़े से सिर्फ ड्राई करना है, इस तरह से डैब करके ना कि रगड़ के। और जब आप रेडिएशन ले रहे हैं उस दौरान आपको कोई ब्रा या ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस नहीं पहनना है, ना ही कोई चुभने वाला गारमेंट पहनना है, लूज कॉटन के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आप कोई चुभने वाला गारमेंट पहनेंगे तो वहाँ पे स्किन छिलने के चांसेस हैं फ्रिक्शन के कारण। एवं जैसे जैसे रेडिएशन हमारा बढ़ता है, जैसे जैसे हम अपने रेडिएशन के ट्रीटमेंट के टूवर्ड्स एंड जाते हैं, डर्मेटाइटिस का भी जो ग्रेड है वो बढ़ सकता है। लेकिन आजकल डर्मेटाइटिस काफ़ी मैनेजेबल है। अगर आपको लग रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बर्निंग रह रही है, तो आप डॉक्टर से ओवर द काउंटर ड्रग्स प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं जिससे कि आपके सिम्टम्स मैनेज हो जाएं। सेकेंड सिम्टम जो रेडिएशन में कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन में भी आता है उसे कहते हैं डिस्फेजिया, यानी कि खाना निगलने में दिक्कत होना। आपको ऐसा लगेगा कि जब आप खाना निगलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके गले में कुछ अटक रहा है, या जब आप कुछ गिटकना चाह रहे हैं तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो इसे डिस्पेजिया कहते हैं। ये भी बहुत रेयरली होता है ब्रेस्ट कैंसर में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो फील्ड है उसमें जनरली हमारी खाना खाने वाली नलकी नहीं आती है। लेकिन अगर आपके कॉलर बोन के ऊपर के लिम्फ नोड्स को हमको रेडिएट करना है, उसमें अगर हमें थेरेपी देनी है जो कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से पता चलेगा, तब ये सिम्टम आ सकता है। तो इसके लिए आपको एक तो खाने में थोड़ी सी सॉफ्ट चीज़ें खानी है, और खाने से पहले डॉक्टर आपको हो सकता है एक एनेस्थेटिक दवाई दें पीने की, जिससे कि आपका ये गला थोड़ा सा सुन पड़ जाएगा, तो जब आप खाना खाएंगे तो बहुत दर्द नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ हमें जो प्रॉब्लम आ सकती है वो है कि उस एरिया का हार्ड हो जाना या वहाँ कोई स्वेलिंग आ जाना। तो देखिए, जो सर्जरी के बाद जब रेडिएशन होती है तो कभी कभी उस एरिया में सीरोमा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, यानी पानी की गांठ बनने के चांसेस रहते हैं। तो वो आप अपने जनरल सर्जन से डिस्कस करके उसको एस्पिरेट करा सकते हैं, यानी सुई से उस पानी को निकलवा सकते हैं। और जो चमड़ी हार्ड हो गई है, ये आपको रेडिएशन ख़त्म होने के बाद महसूस होगा कि जहाँ पर रेडिएशन वो चमड़ी हार्ड हो गई है, उसको ट्रीट करने के लिए आप फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, यानी कुछ मसाजेस हैं जिससे कि आप उस चमड़ी को सॉफ्ट कर सकते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खुद से भी सॉफ्ट होती है। और अगर कोई एक हार्ड पैच बन गया है जो सॉफ्टन अप नहीं हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसमें बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं और लेट साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हार्ट एंड लंग के ऊपर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आजकल पूरी कोशिश की जाती है, ऐसी मशीनें यूज़ की जाती हैं जब वो रेडिएशन आपको दे रहे होते हैं ब्रेस्ट के लिए, जब आप सांस लेते हैं तब लंग आपके फील्ड से बाहर चला जाता है, और जब आप सांस अंदर खींचते हैं वापस तो लंग वापस फील्ड में आ जाता है। तो रेडिएशन उसी समय दिया जाता है जब आप बाहर सांस फेंक रहे हैं, जिससे कि लंग भी उस फील्ड से बाहर चला जाए। तो इस तरह से लंग और हार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन कभी कभी लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट एंड लंग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट तो दवाइयों से ही होता है, तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे किस तरह की दवाइयाँ लेनी है, वो डिपेंड करेगा आपको किस तरह का साइड इफ़ेक्ट आया है हार्ट एंड लंग के ऊपर।
तो ये हमारे मोटे मोटे जो रेडिएशन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रहते हैं एंड ईजिली मैनेजेबल हैं। आजकल जो रेडिएशन लगती है ब्रेस्ट कैंसर में वो काफ़ी कम डोज की लगती है। पहले 25 दिन रेडिएशन लगा करती थी, अब कभी कभी 16 दिन की भी रेडिएशन लगती है और कुछ कैंसर सेंटर्स में सिर्फ 5 दिन की रेडिएशन लगती है। तो इसे झेल पाना काफ़ी ईजी है। रेडिएशन के दौरान हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फटीग हो, वो आप अच्छी डाइट लेंगे, अगर अच्छा मल्टीविटामिन साथ में लेते रहेंगे रेडिएशन के, तो आपको फटीग भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। जनरली रेडिएशन का ट्रीटमेंट पेशेंट्स बहुत आराम से करा लेते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। तो रेडिएशन का ट्रीटमेंट अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो इससे घबराएं नहीं, ऐसे ज़रूर कराएं। इसी तरह की और वीडियोज़ को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।